द्वितीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टोकन नंबर 10 श्री गन्ना सिंह चलो सरदार गुरुबख्श सिंह मोगा गांव नूरगढ़ स्टड फार्म पंजाब से पधारे हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत, आपको द्वितीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टोकन नंबर 10 आगे लाओ, इधर ले लो यार, इधर खाली जगह है ना। सन्नी गिल, सभी राष्ट्र बचाओ आंदोलन पर बहुत ही अच्छी संख्या में इस प्रतियोगिता में पधारे हैं। सभी का विभाग की ओर से स्वागत अभिनंदन। इसी तरह आप अपने जोश को बरकरार रखें और आगे भी इस पुस्तक मेले में अच्छे से अच्छे प्रोत्साहन मिला है। सेकंड थर्ड फर्स्ट जो भी होगा प्रोत्साहन। आप अपने हिसाब से बांध लो। आज इस अश्वमेध प्रतियोगिता अश्व बछड़ा अभियान में जो पुरस्कार और मान्यता प्रदान किए जाएंगे उनके स्पॉन्सर श्रीमान नारायण सिंह जी गोहिमा गोहिमा से स्वागत, आपका विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुल प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार अभी प्रदान किए जाएंगे। श्रीमान नारायण सिंह जी रोहिना साहब का हार्दिक स्वागत। श्रीमान नारायण सिंह जी रोहिना की तरफ से जो पुरस्कार राशि प्रथम द्वितीय और तृतीय को प्रदान की जाती है उसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए नकद इनाम एक चमचमाते ट्रॉफी और विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसका आपका इंतजार था। तृतीय स्थान प्राप्त किया है टेबल नंबर 5 श्री सौरभ निहाल सनाब सुरेश पाल सिंह जी गांव शामली तहसील जिला शामली यूपी से पधारे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। ये सभी अश्व बालक भाई आज के ही अपने भाई हैं, इनका उत्साह वर्धन करें। इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है, इन्हें श्रीमान नारायण सिंह जी रोहिना की तरफ से 11,000 रुपए नकद एक चमचमाती ट्रॉफी और विभाग द्वारा प्रमाण पत्र अतिथियों द्वारा दिया जा रहा है। जो भी अश्व बालक भाई अश्व बछेरा दो बांध प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं कृपया जल्दी से जल्दी अपने दशाओं को तैयार रखें। इसी तरह द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। टोकन नंबर 17 त्रिरूप सिंह समर्थन सिंह जी चौहान गांव जाकड़ तहसील जौल जिला नागौर से कृपया जोरदार तालियों से आपका स्वागत। टोकन नंबर 17 इन्होंने इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, आपको 21,000 रुपए नगद ट्रॉफी और विभाग द्वारा प्रमाण पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। श्रीमान उत्तम गौधारी महोदय तहसीलदार महोदय औषध निदेशक महोदय पशुपालन जो भी अश्व बालक भाई अश्व बछेरा दो गांव प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं अपने अश्व को तैयार रखें। नहीं होया की लाया कितना नंबर है ना रे ऐसा ही नहीं करते तंदी को अपनी बहन जो पीछे ला गया था थोड़ा अब हमारे हिंदू आज लौटे ने नंबर पूछे करते हैं हां पर मेरा पूरे लाया का टट्टू मेरे बराबर लगना प्रथम रहे हैं उनके नाम की घोषणा मैं करता हूं। क्या हुआ क्या हुआ जो फर्स्ट का नाम ही नहीं उसका फर्जी वाड़ा पीछे ये क्या जुलूस निकालने वाला काम बताओ तो हुआ क्या कि कौन सा नंबर है ये किसने लगाया नंबर कितने नंबर लगाया बताओ आप पूछ रहे हैं बोल रहे हैं कि बाद में नंबर बोलेंगे आप यार बताओ तो क्या नंबर दिया है इसका कोई खराब बताओ हमारे अंदर घोड़ों का नुक्सा बताओ कोई तमाशा तो है नहीं यहाँ पर निकला नुक्सा होता है बराबर कटो शेरा नो कटो शेरा साढ़े जी लागे फिर मांगेंगे हुआ क्या भाई साहब कितना नंबर लगा कितना नंबर रहे हो बताओ पूरे हनी 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 गल कर आगे कोई गल सुनो रे गल कर है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा नंबर है आप बता रहे हो ये तो आपको वैसे दे रहे हैं नंबर बाद में बताएंगे उनको आप बताओ डेड फूल बांध रहे हैं उनके नुक्स निकालो बच्चे में लगाओ बराबर लाओ बच्चे
फिर मन भी लेने यार नंबर कौन सा ये क्या तमाशा क्या कर रखा है यार यार उधर फोन तो नहीं आया यार अपना नंबर ही बता दो यार फोन बांधने का क्या मतलब है अरे तो कंसोलेशन है सर कौन सा यार भाई साहब आप बताओ तो ना क्या क्या इनकम फोर्थ नंबर है वो थर्ड था अपना वाला दस बख्श है ना उसके फोर्थ आया है फोर्थ कैसे आया नहीं चलो यार वो तो जैसे अब उससे पहले जो था ना उसका फिफ्थ जो इन्होंने नंबर दिए ना उसमें जो टोटल आया दादा उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए ना फिफ्थ आए अरे वो तो बीच में हो गया रुक तो जाओ यार बताओ तो ना यार ये क्या तमाशा यार पहली तो बात यार दिल के भाई साहब मेरी बात सरदार बादल पहले फिफ्थ बनाओ ना फिर बताओ ना आप सब सर लोग एक मिनट यार गल कर दे कंसोलेशन ओ यार एक मिनट यार बात बात कर नूर भाई बात तो करने दो यार अगर कंपटीशन चल रहा है भाई साहब मेरी विनती समझो आप सरकारी अफसर हो आप सरकारी शो करवा रहे हो जब कंपटीशन चल रहा है रिजल्ट बोलने से पहले जिनके घोड़े अंदर लगे हुए उनको अंदर बुलाने का मतलब क्या है आपका आप अनाउंसमेंट रिजल्ट तो उनसे ले रहे हो जिनका घोड़ा अंदर लगा हुआ सबसे कमेंटमेंट क्या मतलब है उसका बुलाने का इधर जिनके घोड़े हमें जिनके घोड़े लगे उनको रिंग में बुलाकर उनसे पूछने का क्या मतलब है कौन सा हम यहाँ पर सभी सोसाइटी इकट्ठी करेंगे प्राइवेट शो वाले भी सभी जज इधर लाएंगे और दोबारा से रिंग करवाना चाहेंगे हम ये क्या मतलब हुआ यार भाई साहब आप मेरे को आप एक बार बताओ मीडिया बुलाओ यार यहाँ पर सभी मीडिया वाले आए मैं अनाउंस करता हूँ इधर आओ आओ बात यहाँ पर शो हो रहा है भाई लोगों मैं सनी गिल मोगा से नूरगढ़ स्टड फार्म का मालिक मैं नूरगढ़ स्टड फार्म सनी गिल यहाँ पर शो हो रहा शो में रिंग लगा हुआ सभी से निवेदन है कृपया आप रवि थोड़ा रिंग के बाहर खड़े हो जाए व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें बिल्कुल करते हैं भाई साहब एक मिनट के लिए मेला मैदान में उनसे निवेदन है कृपया व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें ये आपका अपना मेला है आपकी अपनी प्रतियोगिता है बाहर चल के ले लो नहीं नहीं उरी करो उरी करो नहीं करेंगे ठीक है ठीक है तो जो जो लोगों के अंदर जानवर लगे हुए हैं यहाँ पर सारा मैनेज बचेगा बात की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है सभी ये मैनेज करके शो हो रहा ये कोई सरकारी शो नहीं है जिनके जानवर अंदर लगे हुए हैं उनको ही अंदर बुलाकर उनसे रिजल्ट लिया जा रहा है क्या मतलब है जिनके जानवर लगे हैं उनको रिंग के अंदर बुलाने का क्या मतलब है उनको बुलाकर उनसे रिजल्ट लिया जा रहा है हमारे साथ बैठे हुए ऊपर उनको इधर बुलाया गया उनसे रिजल्ट लिया जा रहा है जिनके जानवर लगे उनका अभी डिस्क्लोज नहीं किया है रिजल्ट अभी बताएंगे हमारे सामने हमको गलत बताकर उनको फूल बांध रहे हैं फर्स्ट सेकंड का ये क्या बता रहे हैं उसकी जजमेंट करें करते जिसको इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया आपके वो गलत है उन्होंने उनको मालिक को बुलाया इधर अच्छा उधर बैठा मालिक और उधर से ऊपर बुलाकर उससे रिजल्ट लिया जा रहा है जो मालिक है घोड़े का जिसका रिंग में घोड़ा लगा है उससे रिजल्ट लेने का क्या मतलब है उसका क्या मतलब है हम मांग कर रहे हैं दोबारा हो ये शो दोबारा हो शो और जजमेंट के लिए शांति बनाए रखें पुलिस प्रशासन मेला मैदान में उनसे निवेदन है हमारा सबका ये प्रोग्राम है कृपया आप सभी शांति बनाए खुद अजमेर से ही हूँ लेकिन जजेस यहाँ के नहीं रहने आपकी कराए ताकि आज की प्रतियोगिता सुचारू रूप से चालू कीजिए साथ के प्रतियोगिता कुछ ही समय पश्चात आपके सामने शुरू होने वाली है जो भी अश्व बालक भाई इसमें भाग लेना चाहते हैं कृपया सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें नंबर है हीट लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं नहीं आप भी लगा सकते हैं सेकंड वाला हीट लगाएगा वो पेपर मत फाड़ो ये तो खाली है वो ले लो पेपर हीट लगाओ
और मेल डालो इनकी मेल है सरकारी सरकारी के ऊपर मेल डालो सभी से निवेदन है कृपया आप सभी रिंग खाली कर दें आपका अपना प्रोग्राम है कृपया शांति बनाए रखें मैं पुलिस प्रशासन जाप्ता से पुनः निवेदन करता हूं कृपया आगे मांग कर रहे हैं कि शो दोबारा हो रिंग दोबारा हो और जजमेंट प्रॉपर हो ये मैनेज करके नहीं शो होना चाहिए ये मैनेज किया इन लोगों ने सब घोड़े ना सब घोड़ों को मिलना चाहिए सब घोड़ों को मिलना चाहिए चार घोड़े नहीं मिलते आपका परिचय चार घोड़े लेके चार घोड़े मैं सनी गिल नूरगढ़ स्टार्ट फार्म मोगा पूरा फर्जीवाड़ा बिल्कुल फर्जीवाड़े से ये शो हो रहा है अच्छा भला जिसका घोड़ा लगा हुआ है उसको रिंग में बुलाकर उससे जज लिया जा रहा है क्या मतलब नागौर आज आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया श्री नारायण सिंह सेनापति सिंह जी राठौड़ इनको ही अंदर बुलाया गया शो के उससे रिजल्ट लिया जा रहा है आवाज क्यों बंद कर दी भाई साहब आवाज क्यों बंद कर दी ये उनको ही नारायण सिंह को शो के अंदर बुलाया गया और नारायण सिंह से रिजल्ट लिया जा रहा है क्या मतलब है उधर से बैठे हुए को उसको इधर बुलाया लिंक में बुलाकर उससे रिजल्ट लिया जा रहा है और उसी का भी शेरा फर्स्ट लगाया जा रहा है क्या मतलब है इसका 100% गलत ये सरकारी शो कैसे हुआ फिर ये सरकारी नहीं है धांधली है ये सरकारी शो नहीं है धांधली है हमारे घोड़ों के बारे में बताओ क्या कमी है अभी रिटर्न में देना हमारे घोड़ों के बारे में बताओ क्या कमी है ये धांधली हो रही है सरकारी शो में अगर कोई कमी हो तो बताओ भाई घोड़े को फेल किया है तो कमी हो तो बताओ बताओ तो फेल करो और सब पैसों वालों का खेल है क्या कमी है जाके बताओ एक नंबर घोड़े में एक नंबर घोड़ा है क्या कमी बताओ उसकी कमी बताओ हम तैयारी करेंगे ना एक नंबर घोड़े का कमी बताओ साहब बिके हुए हैं डॉक्टर साहब सब बिके हुए बिके हुए घोड़े का नंबर है उसमें नंबर अलाउंस करके बताओ कि घोड़े में कमी क्या है तो हम घोड़ा पालक है सेवा करते हैं जो हम बेस्ट वाला होता है नंबर वाला उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया जो भी करना होता मनमर्जी से कर दिया सब दूर दूर से गरीबी अमीरी यहाँ नहीं देखी जाती है सबके बराबर है पालन पोषण सब बराबर करते हैं बहुत दूर से आए हम 10-10 दिन हो गए हम यहाँ मालिश करते हो हमारे मनमर्जी से मजा करते हैं क्या पूरे मेले में एक तरफा हम मारवाड़ी को सुधारना चाहते ये पीछे लेके नहीं नहीं हम मारवाड़ी को सुधारना चाहते अगर ऐसा ही सोच चलता रहा तो कोई भी एक गरीब किसान इधर घोड़ा लाने के लायक रहेगा क्या कोई गरीब किसान इधर आएगा क्या घोड़ा लेके और अरे घोड़े के अंदर कमजोरी बताओगे ये तुम्हारे घोड़े के अंदर पॉइंट कटा है हमारा पॉइंट बताओ हमारा घोड़े में कमी किधर रहा मैं दौलत सिंह मेरठ हूँ जालौर से हूँ जालौर जिधर से ये ब्रीड निकली है ना मारवाड़ी ब्रीड का प्योरिटी हम लोग प्योरिटी में निकली रखते हैं कोई थोड़ा ब्रीड या मिक्स ब्रीड नहीं रखते आप कोई भी घोड़ा लेके फर्स्ट सेकंड कर दोगे कोई भी गरीब किसान आएगा क्या कोई मेले में गरीब किसान आएगा क्या नहीं चलेगी नहीं चलेगी यही है यही रीड लगा के बैठे हमें ये जज पसंद नहीं है क्लियर कहते हैं और घोड़े की कमी बताओ भी नहीं करना चाहते सभी लोग पूछ सकते हैं कमी रीड लगा के बात कर रहे हैं और क्या जजिंग टीम पूरी चेंज की जाए जजिंग टीम कोई गरीब किसान घोड़ा लेके आया तो वो सोचना चाहिए मेरा घोड़ा भी नंबर लगे भाई 700 किलोमीटर तो है भाई ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं प्रॉपर दस रहे हम हमें रिजल्ट बताकर सभी मस्त है इधर आकर रिजल्ट ही नहीं बता रहे क्या है बाद में बताएंगे फोन दे रहे हैं
उसको हमारे वाले के बराबर खिलाओ, वो पास नहीं करता हमारे वाले के रिजल्ट के। कुछ नहीं बताया कहते अब डिक्लेयर करेंगे। एप्लीकेशन ले रीट लगाओ, फर्स्ट सफेद कागज ले और एप्लीकेशन लगाइए, ये नतीजा हमें पसंद नहीं। सर आप उधर जाइए, अंदर जाइए, आप भी सभी अंदर जाइए। ताकि आगे की प्रतियोगिता सुचारू रूप से चालू की जा सके। बाइट लेनी है क्या? बाइट बाइट हो गई। साइन करवा लो। स्टार्टिंग तो आज कर दी है मैंने साइन। मेरे पास ए टू जेड सारी पड़ी है। स्वरूप का साइन डेट पौनी डेट। सर इसमें अभी आपने क्या लिखा है? इसमें इसमें ऑब्जेक्शन लिखा है, क्या लिखा है मैं बताता हूँ। इसमें ये लिखा है कि जो सेकंड नंबर जो दिलदार घोड़ा है अपना सौरीप सिंह के, वो संतुष्ट नहीं है इस प्रतियोगिता से। ठीक है, निर्णय कमेटी से संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों की वजह से निर्णय कमेटी पहले ही बिक जाती है और अपने घोड़े को प्रथम स्थान दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ, मेहनत करते हैं साल भर, लेकिन फिर उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। किस वजह से? कुछ पैसे वाले लोगों की वजह से। बाहर से पहले वो जजिंग को न्याय मिलना चाहिए, जजिंग को अपने पक्ष में कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं। मेरे को एक एप्लीकेशन दो आप, मेरे को लिखना पड़ी थी। नहीं ये तो ये इसमें लिख दिया। हां आप लिख दो, ये मेरे को थोड़ा दिखाना यार। हमने भी एनआरसी फोन करके चेक कर लिया। सुनो दोनों को बुलाओ, एनआरसी फोन करके आप लोग बाहर चलो। ये दो जने और आगे कर देंगे तो सब समझते हैं, हर बूढ़े वाला समझता है। दांत दो दांत क्या होते हैं? रिटर्न में महाराज हर साल देते हैं, आप फाड़ के क्यों पटक देते हो? नहीं, सवाल यही है। तभी तो कह रहे सामने चीज है, आंखों देखी मक्खी खाई जाएगी क्या? सामने चीज हो रही है, लिख के दे दो। कहाँ से लिख के दे दो? दोनों घोड़े को बुलाओ, उसको क्राइटेरिया बताओ तो हमें, उसमें क्या क्राइटेरिया? जिन जिन घोड़ों को प्रॉब्लम हो रही है उन घोड़ों को दोबारा चेक करवाया जाए। चेक करवा लो, बुला लो, दूध का दूध पानी, ये पांच आदमी सारे आश्रम पालक समझ गए कि सामने क्या चीज़ तो सामने दिखता ही है, वो सारे समझ जाएंगे जो चीज़ है जो नहीं है।